आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ अपनी फेवरेट रेसिपी। इंग्रेडिएंट देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। ये मेरा काफ़ी फेवरेट है। वैसे तो सबका अपना बनाने का तरीका होता है पालक पनीर, सब अपने स्टाइल से बनाते हैं। किसी को रेस्टोरेंट स्टाइल पसंद आता है तो किसी को शादी वाला। मैं इसे अपने तरीके से बनाती हूँ जैसा मुझे पसंद है, तो आज उसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पालक पनीर बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो के करीब पालक ली है जो कि मैंने धुल के साफ कर ली है, और ये थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं इसलिए ऐड करती हूँ ताकि इसका कलर मेंटेन रहे। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐड करें, अगर नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल मत ऐड करें। अपने पालक पनीर को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में पानी लेते हैं और उसको बॉईल होने के लिए रखते हैं। पानी जब तक बॉईल हो रहा है तब तक हम करते हैं अपनी बाकी की प्रिपरेशन। हमें चाहिए होगा एक मीडियम साइज अनियन, एक मीडियम साइज टमाटर, एक अदरक का टुकड़ा, 6 से 7 ये लहसुन की कलियां हैं, और 2 हरी मिर्च। मुझे तीखा पसंद है इसलिए मैं यूज कर रही हूँ 2 हरी मिर्च। आपको अगर नहीं पसंद है तो आप मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इनको हम रफली चॉप कर लेंगे क्योंकि बाद में तो हमें इन्हें ग्राइंड करना है। पानी बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी पालक की पत्ती। हमें पालक को ज़्यादा देर बॉईल नहीं करना है, बस 3 से 4 मिनट ही हम इसे बॉईल करेंगे। इसे ज़्यादा अगर हम इसे बॉईल कर देते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ये हरे से थोड़ा सा ब्लैक सा होने लगता है। पालक को बॉईल होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये धनिया के पत्ते जो हमने लिए थे, और इसे बस अब 1 मिनट के लिए और पकाएंगे, उसके बाद हम अपनी गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। 1 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको छान लेंगे। छानने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ठंडा पानी, जिससे इसमें जितनी भी कुकिंग हो रही हो वो तुरंत ही रुक जाए और ज्यादा कुक ना। पालक को रखते हैं एक साइड में, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने रफली चॉप अनियन, गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली। इसको हम ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बस उतना ही पकाएंगे। अनियन ट्रांसपेरेंट हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये चॉप किए हुए टमाटर, और जैसे ही टमाटर ऐड करेंगे हम इसमें ऐड करेंगे नमक। टमाटर गलने तक पकाएंगे। अगर आपके टमाटर बहुत ज्यादा हार्ड हो तो आप इसे पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से गल जाए। हम तैयार कर लेते हैं अपने सूखे मसाले। सूखे मसाले में हम लेंगे धनिया पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से, अगर आपको ज्यादा पसंद है तो लाल चिली पाउडर ले सकते हैं, आप कश्मीरी मिर्च भी ले सकते हैं अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो। करेंगे अच्छे से मिक्स, और हमें चाहिए होगा थोड़ा सा बेसन, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा चाहिए होगा। मैं अपनी रेसिपी में बेसन यूज करती हूँ क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है सब्जी में, तो अगर आप चाहें तो यूज करें और नहीं करना है तो मत करें। वैसे एक बार यूज करके देखें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि टेस्ट में कितना डिफरेंस आ जाता है इसे यूज करने से। और हमें चाहिए होगा थोड़ा सा दही, ये 2 टेबलस्पून के करीब है दही। दही वैसे पालक की जो कड़वाहट होती है उसको कम करता है, तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी पालक कितनी कड़वी है और उस हिसाब से आप दही यूज करिएगा। और ये भी आप देख लीजिएगा कि अगर आपके टमाटर बहुत ज़्यादा खट्टे हैं तो दही आप कम ही यूज करिएगा। टमाटर पूरी तरह से गल चुके हैं, अब हम गैस करेंगे बंद और इनको ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे। पालक को ऐड करेंगे अपने ग्राइंडर जार में, ब्लेंड कर लेंगे। पालक को हमने ब्लेंड कर लिया है अच्छी तरह से, हम अपने अदरक, लहसुन, टमाटर और ये
ग्रीन चिली की जो हमने मसाला भुना था इसको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। हमारा पालक का पेस्ट और सारे मसाले रेडी हो गए हैं। अब हम पनीर को क्यूब्स में काट लेते हैं। मैंने आधा किलो पालक ली थी तो उसके लिए 200 ग्राम पनीर लिया हुआ है। पनीर कट हो गया है। कढ़ाई में ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, बटर लेंगे एक पिन जितनी हुई, थोड़ा सा जीरा, में ऐड करेंगे बेसन। इसको एक से दो मिनट के लिए भून लेंगे। ऐड करेंगे सूखे मसाले, इसको भी एक मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियन, जिंजर, गार्लिक और चिली टमाटो का जो पेस्ट बनाया था हमने वो। एक से डेढ़ मिनट तक इसको भूनेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे दही। दो से तीन मिनट हमने इसको भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना पालक का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने पनीर के क्यूब्स और 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा पालक पनीर पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा फ्रेश क्रीम। सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारा पालक पनीर। अब हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। तैयार है आपका अनाया स्टाइल पालक पनीर। इसे आप चाहें तो रोटी के साथ खाएं या नान के साथ या लच्छा पराठा के साथ, ये सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप इसे बना के ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा।